ओके, तो सबको मिल चुकी है लिंक और जूम पे चालू हो चुका है वीडियो। ठीक है, और भी हैं वेटिंग रूम में, और बच्चे आ रहे हैं। अच्छा, ये सब ऐड हो गया। वेटिंग रूम बंद कर देना यार, सेटिंग चेंज कर दो। एक आईडी तो रोहित सर की आईडी हटा के एक आईडी और ले लो ना, तो बोल के ये तो मेरा है, मेरा है। नहीं, कोई भी नहीं बैठ रहे ना, बाद में कर देंगे। वेटिंग रूम यहाँ से बंद होता है। यस, सब आ गए हैं, ज्वाइन कर गए हैं सब। ओके, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आज से हमारा जो क्लास स्टार्ट हो रहा है, बेसिकली दिस इज द क्लास फॉर जीएसटी एंड कस्टम्स। फाइनल जीएसटी और कस्टम्स का हम जो है हमारा आज का डिस्कशन स्टार्ट कर रहे हैं। रिकॉर्डिंग चालू कर दी है मैंने। और मुझे बताइए, रूम पे सबको प्रॉपर आवाज़ आ रही है? तो मैं फिर आज का डिस्कशन फाइनली स्टार्ट करूँ। तो प्लीज़ चैट बॉक्स में आप मुझे सब लिख, जो यहाँ पे है वो नहीं, जो अदर देन दैट, क्या उन लोगों को मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है, वीडियो प्रॉपर आ रहा है सब लोगों को? पक्का? चलिए, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। एंड वी आर गोना स्टार्ट विथ इनडायरेक्ट टैक्सेस, एंड देर आर टू कंपोनेंट्स, जीएसटी एंड कस्टम्स। ठीक है, तो ये जो दो टॉपिक है, ये हमको बेसिकली हमारे सब्जेक्ट के अंदर स्टार्ट करने हैं। और ये जो दो मेन टॉपिक है, इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कोई है तो वो है जीएसटी। सबसे मेजर, सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई टॉपिक है, दैट टॉपिक इज जीएसटी। और वहीं से हमको आज का हमारा जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करने का है। अब ये टॉपिक जो है वो आप लोगों ने जो इंटरमीडिएट लेवल, जो एग्जीक्यूटिव लेवल आप लोगों का था, सेकेंड जो लेवल था, वहाँ पे भी इसका बेसिक आप सब लोगों ने पढ़ा हुआ है। पर मुझे थोड़ा सा बेसिक तो फिर भी एक बार रिवाइज करने के पर्पज से एक्सप्लेन करना ही पड़ेगा। साथ साथ में हम लोगों को बहुत सारा नया डिस्कशन, बहुत सारी नई चीज़ें, बहुत सारे नए नए अपडेट्स जो भी आए हैं, उन सबको भी यहाँ पे डिस्कशन करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। अभी हम सिलेबस क्या है ये सब बातें बाद में कर लेंगे कि क्या सिलेबस है, क्या क्या है, कैसे कैसे पढ़ना है। पर आज हमारा फर्स्ट डिस्कशन है, तो क्यों ना कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक से ही स्टार्ट किया जाए। और सबसे पहले आप मुझे बताइए, अगर हम जीएसटी की बात करते हैं, हम बात करते हैं कि सब गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्यों आया, तो उसके पीछे जो सबसे बड़ा रीजन सरकार का था वो था इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो सरकार का जो मेजर रीजन था जिस कारण सरकार जीएसटी लेके आई ना, दैट रीजन इज क्रेडिट मैकेनिज्म। ये रीजन था जिसके कारण जीएसटी जो है वो इंडिया में लॉन्च हुआ था। और क्यों, क्या था सर, मैं आपको बता दूं, जो पुराने टैक्सेस थे उसमें क्रेडिट का बहुत झगड़ा ये था कि बहुत कास्टिज्म था। कास्टिज्म ऐसे था कि वैट का सेट ऑफ हम एक्साइज से नहीं देंगे, सर्विस टैक्स का सेट ऑफ हम वैट से नहीं देंगे, सीएसटी का कोई क्रेडिट मिलेगा नहीं, इस टैक्स का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा, इसका नहीं मिलेगा। तो होता क्या था, जिन चीज़ों की रिबेट नहीं मिलती थी, जिन चीज़ों की क्रेडिट ट्रेडर्स को या मैन्युफैक्चरर्स को नहीं मिलती थी, वो कहीं ना कहीं कॉस्ट में इजाफा करते थे। अगर कोई पैसा मेरी जेब से गया है और उसका मुझे कुछ फायदा नहीं मिल रहा है, तो अल्टीमेटली मेरे लिए तो वो एक तरह का एक्सपेंस ही हो गया ना। और जो मेरे लिए एक्सपेंस हो गया, वो अल्टीमेटली मैं कस्टमर से ही वसूलूंगा। तो होता ये था कि कास्केडिंग इफेक्ट बहुत क्रिएट हो गया था बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ टैक्सेस। पर ये बात हो गई 2017 के पहले की। तो अब अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो पहले क्या कास्केडिंग इफेक्ट था, अब क्या हट गया है, ये सारी बातें कुछ काम की नहीं बची है। लेकिन जीएसटी में जो बहुत इंपॉर्टेंट बात बची बची है या है, वो है कि सरकार ने एक बहुत ही सीमलेस क्रेडिट मैकेनिज्म लॉन्च कर दिया है। सीमलेस क्रेडिट मैकेनिज्म क्या है? बहुत सिंपल है कि एक व्यापारी अगर टैक्स देगा तो उसे उसकी क्रेडिट मिलेगी, ताकि उसके ऊपर कोई बर्डन ना आए। तो हम सबसे पहला बेसिक ही वे समझेंगे कि यार एक सिंपल क्रेडिट मैकेनिज्म जीएसटी में कैसे अप्लाई होता है। क्योंकि आपको ऑफकोर्स बेसिक आता है, लेकिन थोड़ा सा हमको रिविजन के एंगल से या थोड़ा सा जो पढ़ा हुआ है उसको वापस से एक रिमाइंडर के एंगल से, सबसे पहले हम लोगों को ये पढ़ना है कि वॉट इज बेसिक क्रेडिट मैकेनिज्म। ठीक है, एक जीएसटी का क्रेडिट मैकेनिज्म या एक नॉर्मल क्रेडिट का मैकेनिज्म कैसे काम करता है।
ठीक है, तो हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके उस चीज को समझना चालू करते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे आज के लेक्चर से ही बहुत सारे इंटरेस्टिंग कैलकुलेशन स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, मैंने आपको ये चीज क्लियरली बोली है, मैं वापस एक बार बोल देता हूँ, जीएसटी यहाँ पे बहुत हद तक प्रैक्टिकल टॉपिक है। मैं आपको बता दूं कि आपके जो पेपर का वेटेज है उसे मान के चलना 60-70% पेपर प्रैक्टिकल से आएगा, प्रैक्टिकल आएंगे 20-30% पेपर, या मैं बोलूं अगर मान लो 100% पेपर में से 50% पेपर तो प्योर प्रैक्टिकल आ जाएगा, 20-30% पेपर केस स्टडी बेस्ड आएगा और सिर्फ 10-20% पेपर ही थियोरी बेस्ड आएगा। तो ये ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें हमें प्रैक्टिकल पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है, तो उस एंगल से हमें प्रैक्टिकल्स का डिस्कशन आज ही से स्टार्ट करना है। तो हम सबसे पहले एक बेसिक क्रेडिट मैकेनिज्म से हमारी बात स्टार्ट करेंगे कि एक सिंपल क्रेडिट मैकेनिज्म कैसे काम करता है। लेट्स टेक ए वेरी सिंपल एग्जाम्पल, हम स्क्रीन पे एग्जाम्पल लेके पूरी चीज को ढंग से समझना चालू करते हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिस्कशन बेसिक जीएसटी के क्रेडिट मैकेनिज्म का कैसे होता है। सब लोग देखिएगा ध्यान से, हम लेते हैं एक छोटा सा एग्जाम्पल। एक है डीलर नंबर वन, ठीक है, ये डीलर नंबर वन जो है, ये डीलर वन रॉ मटेरियल परचेस करता है, ठीक है, 1 लाख रुपए का। अभी मान लेते हैं ये एक एग्रो बेस्ड रॉ मटेरियल होगा या कोई ऐसा रॉ मटेरियल होगा जिसमें इसको कोई जीएसटी अभी नहीं लगा। मान लो इसने खेती की चीजों को प्रोसेसिंग करना चालू करी, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के ऊपर जीएसटी नहीं है, तो अभी तक इसको खरीद पे कोई जीएसटी नहीं लगा। लेकिन जब ये प्रोसेसिंग करके फाइनली फिनिश गुड्स को सेल कर रहा है, मान लेते हैं अपन वो इस फिनिश गुड्स को सेल कर रहा है 2 लाख रुपए में, तो उसके ऊपर 12% या 5% मान लेते हैं, 5% का जीएसटी लग रहा है। तो 5% 2 लाख रुपए के ऊपर निकालेंगे तो हमारा जीएसटी कितना हो जाएगा, 10,000 रुपए का। अगर मैं बात करूं कि ये बिल कितने का बनाएगा, तो आप मुझे बताओ D1 अगले बंदे को जो बिल बना के भेजेगा, बताइए वो बिल कितने का बनाएगा, 2 लाख का या 2,10,000 का। मुझे चैट बॉक्स में भी प्रॉपर रिस्पॉन्स चाहिए। तो जितने ही बच्चे जूम पे हैं प्लीज मुझे बताइए कि यहाँ पे आप ये बताइए कि वो आदमी इनवॉइस कितने का बनाएगा, 2 लाख रुपए का या 2,10,000 रुपए का। हेलो स्टूडेंट्स, देखो रिप्लाई नहीं आ रहा है, 2,10,000 का। पूर्वा पूर्वी, यस 2,10,000। तो यहां पे जो बिल बनेगा वो बिल बनेगा 2,10,000 रुपए का, ठीक है। अब सवाल ये है कि ये पैसा वो खुद तो जेब से भरेगा नहीं, अल्टीमेटली किससे लेगा, कस्टमर से लेगा। तो हम ये जो सेल है ये सेकंड पर्सन को ही, दैट इज D2, D2 के लिए जो परचेज है वो कितनी होगी वो हमें समझना पड़ेगा। इसने 2,10,000 रुपए दिए, D2 ने कितने पैसे दिए, 2,10,000 पर। मैं आपको बता दूं D2 2 लाख रुपए को ही अपनी परचेज कॉस्ट मानेगा, और एक ITC के नाम से अलग एक अकाउंट बना लेगा जहां पे वो 10,000 रुपए उसके अलग से डेबिट कर लेगा। वो 2,10,000 को परचेज कॉस्ट ना मान के वो सिर्फ 2 लाख रुपए को ही परचेज कॉस्ट मानेगा, और जो 10,000 रुपए की टैक्स पे किया था उसने जीएसटी, उसका वो एक तरह से रिबेट क्लेम कर लेगा। अब आप बोलेगा रिबेट क्या है सर, इसमें क्या फायदा है, मैं अभी आपको समझा दूंगा कि इसका फायदा क्या है, ठीक है। पर हाँ, कस्टमर से वो परचेज कॉस्ट के नाम पे 2 लाख रुपए ही लेगा, 2,10,000 नहीं लेगा। वो कस्टमर से जो परचेज कॉस्ट के नाम पे पैसे लेगा वो कितने लेगा, 2 लाख रुपीज, ठीक है। अब यहां पे इंटरेस्टिंग बात है कि ये भाई साहब आगे इस प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं 3 लाख रुपीज में। अब इनके ऊपर भी 5% का जीएसटी, आप बताओ अगर इनके ऊपर 5% का जीएसटी तो 3 लाख का 5% कितना टैक्स हो जाएगा, 15,000 रुपए का। ये अगले पर्सन से कितना पैसा ले लेंगे, 3,15,000 रुपए। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात आती है कि इनको ग्रॉस टैक्स 15,000 रुपए सरकार को देना है D2 को, लेकिन D2 के पास में इनपुट टैक्स क्रेडिट रखी हुई है 10,000 रुपए की।
तो ये भाई साहब कैश में टैक्स सिर्फ 5,000 रुपये जमा कराएंगे। अब हुआ क्या समझना, यहां पे हुआ ये कि पहली बार बात तो टीटू ने जो 15,000 रुपये कस्टमर से लिए उसमें से सरकार को 5,000 ही दिए। कोई बताएगा क्यों ऐसा किया? एक्चुअली वो पहले 10,000 रुपये किसी और सरकार को दे चुका है जिसको उसने कस्टमर से नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि उसको ये सेट ऑफ करने की परमिशन मिल रही थी। समझना हुआ क्या। हुआ यूं कि आप लोगों ने एक पेटीएम का रिचार्ज कराया 300 रुपये का और आपको उसमें 50 रुपये का कैशबैक आ गया, तो आप पता है आप अपनी कॉस्ट 250 रुपये ही मानोगे क्योंकि अल्टीमेटली 300 गए लेकिन 50 मुझे वापस अपने वॉलेट के अंदर आ गए। अब इस 50 को मैं अगले रिचार्ज में यूज कर सकता हूं, तो मैं उसे अपनी कॉस्ट मानूंगा ही नहीं, अभी तो नहीं मानूंगा। वैसे यहां पे भी मैंने 10,000 रुपये परचेज पे टैक्स दिया, इस 10,000 रुपये का मैंने रिबेट क्लेम कर लिया क्योंकि जब कस्टमर से 15,000 आएंगे तो उसमें 10,000 मेरे होंगे और 5,000 ही मुझे सरकार को देने पड़ेंगे। तो हुआ क्या, मेरे को 10,000 रुपये पहले गए लेकिन बाद में जब कस्टमर को मैंने माल बेचा, गुड्स बेचा, तो 10,000 रुपीज मुझे वापस आ गए। तो अल्टीमेटली मेरा टैक्स कितना हो गया, मेरी जेब से गया पैसा कितना हो जाएगा, जीरो। और जो रिमेनिंग 5,000 मैंने कलेक्ट किए हैं वो अल्टीमेटली मैं सरकार को भर दूंगा। अगर हम यहां पे एक लॉजिक लगाएं तो लॉजिक ये है कि सरकार की जेब में टोटल टैक्स भी 15,000 ही पहुंचा होगा। कोई बताएगा 15,000 कैसे टोटल टैक्स पहुंचा होगा? 10,000। अगर मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो गवर्नमेंट को 10,000 रुपये तो D1 से मिल गए और 5,000 रुपये D2 से मिल गए, मतलब अल्टीमेटली सरकार की जेब में टोटल टैक्स कितना पहुंचा, 15,000। और आपको पता है अगला जो कस्टमर है D3, इसने टोटल टैक्स दिया भी कितना है D2 को, 15,000। मतलब इसे एक और चीज समझ में आती है, कहीं भी डबल टैक्सेशन नहीं हुआ। क्योंकि अगर डबल टैक्सेशन हो जाता तो जितना इन अगले बंदे से मैं टैक्स ले रहा हूं, अगर वो डबल टैक्स कास्केडिंग इफेक्ट होता तो कहीं ना कहीं D2 की कॉस्ट में भी टैक्स जुड़ा होता और सरकार को टैक्स ज्यादा पहुंचता। लेकिन सरकार को भी 15,000 ही मिले और अल्टीमेटली फाइनल कंज्यूमर ने भी 15,000 ही दिए, मतलब इसके अलावा और कोई टैक्स का कलेक्शन या और कोई टैक्स किसी के ऊपर लगा ही नहीं है। इंटरेस्टिंग चीज है, D1 और D2 के ऊपर, खुद के ऊपर 1 रुपए का बर्डन भी नहीं आया। आप मुझे बताओ D1 ने क्या किया? D1 ने 10,000 रुपये D2 से कलेक्ट करके गवर्नमेंट को पे कर दिए, उसकी जेब से 1 रुपया भी नहीं गया। D2 ने 15,000 रुपये D3 से कलेक्ट किए पर उसमें से 10,000 रुपये जो उसने पे किए थे वो अपनी जेब में रख लिए और 5 ही दिए। तो भाई साहब की जेब से पहले 10 चले गए थे, वो 10 उन्होंने अपनी पॉकेट में रख लिए, खुद की जेब पे बर्डन जीरो। नेट जो 5,000 रुपये इनके बच रहे थे, सरकार ने बोला टैक्स का फायदा तुमको थोड़ी देंगे। सरकार बोलेगी तुम थोड़ी रख सकते हो टैक्स का पैसा, तो जो भी तुमने टैक्स दिया था वो सेट ऑफ मार दो, अब बचा हुआ टैक्स मुझे पे कर दो। तो D2 ने 10,000 जो टैक्स दिया था उसे अपनी जेब में रख लिया और 5,000 जो है वो सरकार को पे कर दिया। सरकार को D1 से 10,000 और D2 से 5,000 मिल गए, ओवरऑल बिल में भी 15,000 ही टैक्स जुड़ के आया। एक और इंटरेस्टिंग चीज, ये जो GST का मैकेनिज्म है ये एक वैट सिस्टम ही है। कई लोगों को लगता है कि वैट हटके GST आया, एक्चुअली वैट टैक्स का नाम इंडिया में था पर वैट इंटरनेशनली एक सिस्टम है टैक्स को लगाने का। और वो सिस्टम ही ये बोलता है कि एक बंदा सिर्फ उतना टैक्स कैश में देगा जितना उसने वैल्यूएशन किया है। और यहां पे आप D2 को देख लो, उसने यही किया। आप अगर स्क्रीन पे देखेंगे तो D2 ने टोटल मिला के अपना प्रॉफिट या अपना एडिशन 1 लाख रुपए का किया है। आप देख सकते हो D2 ने अपनी तरफ से एडिशन कितना किया है, 1 लाख रुपए का। तो वो 1 लाख का 5%, 5,000 रुपए ही GST कैश में भर रहा है क्योंकि बाकी एडिशन D1 कर चुका है। तो D1 ने 10,000 दे दी है, D2 ने 5 ही दिए क्योंकि उसने अपने तरफ से वैल्यूएशन 1 लाख का ही किया है। मतलब एक इंपॉर्टेंट चीज, GST भी एक तरह का वैट ही है। पहले वैट हमारे यहां टैक्स का नाम था पर वैट एग्जैक्टली टैक्स का नाम नहीं है, वैट एक तरह का टैक्स लगाने का सिस्टम है।
और जीएसटी भी वैट सिस्टम के अंदर ही आता है। बस ये हुआ है कि कास्टिज्म खत्म हो गया, बिकॉज वो सारे टैक्सेस जो मल्टीपल टैक्सेस लगते थे वो सब एक ही नाम से आ गए। मतलब ये समझ लो कि हमारे पूरे देश में अब एक ही कास्ट हो गई सब, हिंदू, जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये ब्राह्मण, मुस्लिम, कुछ भी नहीं, सिंपल एक कास्ट हो गई। तो भैया फिर तो सब इंटरकास्ट अलाउड हो गया ना, तो जो एक झगड़ा था इंटरकास्ट का वो खत्म हो गया। इतना इजी हो जाए ना अपने लोगों के लिए कि कास्ट सिस्टम खत्म हो जाए तो अपना लफड़ा ही खत्म घर का। तो मुद्दा ये है कि यहाँ पे भी यही हुआ, ये जो मल्टीपल टैक्सेस और ये सब जो लग रहे थे ना उसके कारण जो कास्ट सिस्टम था ये पूरा खत्म हो गया और सिंगल सिस्टम आ गया। तो अपने आप जो कास्केडिंग आ रहा था वो सब खत्म हो गया और एक टैक्स दूसरे सेट ऑफ हो जाता है, तो बीच वाले बंदे पे 1 रुपए का बर्डन नहीं आता है। तो कस्टमर से टैक्स के नाम पे कभी पैसे अलग से नहीं लेगा, कॉस्ट में नहीं जोड़ेगा, जो टैक्स वो लग रहा है वही सरकार को मिल रहा है। तो अब इस मैकेनिज्म को देख के अगर मैं आपको बोलूं तो चार पांच मेन चीजें निकल के आती हैं। पहला तो जीएसटी अवॉइड्स कास्केडिंग इफेक्ट, अपन लिख लेंगे क्योंकि तो कभी आ जाए कि व्हाट आर द फीचर्स ऑफ जीएसटी या जीएसटी के आने के एडवांटेजेस क्या हैं, जीएसटी से क्या एडवांटेज मिलता है। तो पहला, इट अवॉइड्स कास्केडिंग इफेक्ट। फीचर्स की बात करूं तो इट इज ए टैक्स अंडर वैट सिस्टम, ये वैट सिस्टम का ही टैक्स है। तीसरी खास बात यह है कि सारा टैक्स का बर्डन कंज्यूमर पे जाता है, 1 रुपए का टैक्स का बर्डन इंटरमीडिएट पार्टी पे नहीं है। और इसीलिए ये एक इंपॉर्टेंट फीचर है इनडायरेक्ट टैक्स का। इनडायरेक्ट टैक्स का आप लोगों ने 11 से ये बेसिक फीचर पढ़ना चालू किया होगा कि बर्डन फाइनली किसके ऊपर आता है, कंज्यूमर्स के ऊपर। तो यहाँ पे जितना 15,000 रुपए का टैक्स कलेक्ट हुआ अल्टीमेटली वो सारा का सारा टैक्स किसने दिया, कंज्यूमर ने, और उतना ही टैक्स गवर्नमेंट को मिला। मतलब D1 और D2 को अपनी तरफ से कोई टैक्स या कोई टैक्स को कॉस्ट में जोड़ने की जरूरत नहीं पड़ी, उन्होंने अपनी जेब से 1 रुपए का भी टैक्स पे नहीं किया है। क्या ये बात आपको समझ? और ये एक सीमलेस फ्लो ऑफ क्रेडिट है क्योंकि ये चलता रहेगा चलता रहेगा चलता रहेगा। पता है कब तक चलता रहेगा? कंज्यूमर जब तक ना आ जाए। कंज्यूमर एक ऐसा अकेला आदमी है जिसको क्रेडिट लेना अलाउड नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आगे उसको वापस टैक्स भरना ही नहीं है। मतलब जितने भी लोग रीसेल कर रहे हैं वो सब क्रेडिट ले सकते हैं। इफ आई एम परचेजिंग एंड देन अगेन आई एम सेलिंग, देन आई हैव राइट टू टेक क्रेडिट बिकॉज आई डोंट वॉन्ट कि मेरे ऊपर कोई टैक्स का बर्डन या कास्केडिंग इफेक्ट आए, क्योंकि मैं भी आगे वापस टैक्स भरने वाला हूं, तो ऑफ कोर्स मुझे उसका क्रेडिट मिलके उसका फायदा मिलना चाहिए। लेकिन अगर आगे मुझे टैक्स भरना ही नहीं है बिकॉज आई एम ए कंज्यूमर, आई एम अनरजिस्टर्ड, मुझे आगे टैक्स भरना ही नहीं है, तो फिर मैं क्रेडिट नहीं ले सकता। तो कंज्यूमर पे बर्डन आ जाता है, अनरजिस्टर्ड पर्सन पे सारा का सारा बर्डन आ जाता है। बताओ क्या ये पूरा का पूरा एग्जाम्पल आप लोगों को समझ में आया? तो पहले पहले इस एग्जाम्पल को आप नोट कर लो। D3 का अगर मैं मानूं तो D3 अगर अनरजिस्टर्ड है तो इसके लिए परचेज कॉस्ट पूरी 3,15,000 ही हो जाएगी। अगर D3 के एंगल से देखें तो D3 अगर अनरजिस्टर्ड है तो D3 के लिए परचेज कॉस्ट पूरी की पूरी 15,000 ही हो जाएगी, क्योंकि D3 जो है उसको क्रेडिट मिलने वाला नहीं है। तो आप सबसे पहले एग्जाम्पल लिख लीजिए क्रेडिट मैकेनिज्म का, फिर मैं तीन चार इंपॉर्टेंट नोट्स इसके लिखवा देता हूँ कि कैसे जीएसटी वर्क करता है। उसके बाद हम इस क्रेडिट का बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट पढ़ना चालू करेंगे। पहले इसको नोट कर लीजिए।
चलिए अब अपन लिखना चालू करते हैं। जूम पे जितने ही बच्चे हैं जो ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, क्या आप लोगों ने एग्जाम्पल नोट कर लिया है? जल्दी मुझे फटाफट लिख के बताइए, क्या एग्जाम्पल नोट हो गया है? पूर्वा, पूर्वी, प्रकृति, सैंपल नोट हो गया है क्या आप लोगों का? वेट, ओके, लिख रहे हो? लिखो, फटाफट लिखो। नेहा, चलिए तो अब मैं कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखवा देता हूँ। और ये जो शीट है, ये अपन एक काम करेंगे, शेयर भी कर देंगे, ताकि जो भी आपका कुछ लिखना रह भी जाए तो इस शीट में ड्राइव पे अपलोड करके आपको एक लिंक दे दूंगा कॉमन, और इसी को अपडेट करता रहूंगा। मतलब हमारे सारे नोट्स इसी शीट के अंदर बनने वाले हैं। जो जो मैं कॉपी के अंदर लिखवा रहा हूँ, एक तरह से आपको डिजिटली सारे के सारे नोट्स मिल जाएंगे, प्लस आप कॉपी में भी पूरा का पूरा लिख रहे हो। तो हमारी जो बेसिक स्ट्रैटेजी है वो ये है कि हम हर चीज़ कॉपी में नोट करेंगे जो मुझे लगता है कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है और आपको पता होनी चाहिए। तो वो हर चीज़ की हम प्रॉपर कॉपी बनाएंगे ताकि एग्जाम के एक दिन पहले आपको कॉपी के अलावा कुछ और रिविजन करने की जरूरत ना पड़े। ठीक है, चलिए तो हम कुछ बेसिक पॉइंट्स लिख लेते हैं इसके। सबसे पहला पॉइंट जो है वो आप ये लिखिए कि जीएसटी इज ए टैक्स अंडर वैट सिस्टम। ये टैक्स वैट सिस्टम का ही एक टैक्स है। मतलब ये टैक्स वैट के अंदर ही लगता है, क्योंकि वैट हमने हमारे देश में नाम टैक्स का दे दिया था, पर वो एक्चुअली एक टैक्स नहीं है, वो एक सिस्टम है। तो पूरे यूनिवर्सली वैट लगता है। आपको मैं बता दूं, वैट एक सिंपल सिस्टम है, तो कई जगह जीएसटी को वैट के नाम से भी जानते हैं। मतलब वो है जीएसटी, उनका मैकेनिज्म, जैसे मानो सिंगापुर है, सिंगापुर में वैट लगता है, फ्लैट वैट है, शायद 7 या 8% का, 8% वैट। तो आप बोलोगे और ये कितने बड़े बेवकूफ़ और पुराने लोग हैं, तो आज ही वैट लगा रहे हैं। ये जीएसटी ही लगा रहे हैं। जीएसटी का नाम सिर्फ चेंज हुआ है, अल्टीमेटली उन्होंने किया क्या है, सारे टैक्सेस को अलग करके एक सिंगल टैक्स बना दिया है। तो सिंगापुर कब से यही चीज़ फॉलो कर रहा है, सालों से। तो हम तो बहुत लेट हैं ये लगाने में, पर नाम से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि दोनों ही टैक्स, चाहे वो वैट नाम हो चाहे वो जीएसटी नाम हो, दोनों ही टैक्स अल्टीमेटली है वैट सिस्टम के अंदर ही। ठीक है, ये पहली इंपॉर्टेंट बात हो गई। दूसरी बात है, अल्टीमेट बर्डन इज ऑन कंज्यूमर। जो फाइनल बर्डन है टैक्स का, वो किसके ऊपर जाता है? कंज्यूमर के ऊपर। और कंज्यूमर का यहां पे मतलब अनरजिस्टर्ड पर्सन से है। ध्यान रखना, ये मत समझ जाना कि कंज्यूमर मतलब जो एक्चुअली गुड्स कंज्यूम कर रहे हैं। जीएसटी की चेन वहां खत्म हो जाती है जहां पे कोई ऐसा छोटा ट्रेडर आ जाए जो अनरजिस्टर्ड है। जैसे मान लो मैं होलसेलर हूं या मैं मैन्युफैक्चरर हूं, मैं इंदौर के एक बड़े होलसेलर को माल बेच रहा हूं, अभी तक चेन जीएसटी के क्रेडिट की चल रही है। फिर उसने एक यहां के रिटेलर को माल बेचा, वो भी जीएसटी की चेन में है क्योंकि टर्नओवर उसका अच्छा खासा है। वहां से एक आदमी गांव का एक किराने की दुकान वाला व्यापारी सामान लेके गया, जिसका 5-7 लाख रुपए का टर्नओवर है, गरीब आदमी है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, हमारे लिए वही कंज्यूमर हो जाएगा। क्योंकि एक अनरजिस्टर्ड पर्सन एक तरह से समझ लो कि जीएसटी के लिए कंज्यूमर की तरह ही है, क्योंकि उसके बाद कोई ट्रैक नहीं हो सकता ना उसका, क्योंकि रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो अनरजिस्टर्ड है। तो वही हमारे लिए कंज्यूमर मान लिया जाएगा। जबकि हो सकता है वो किराने का गांव का व्यापारी आगे किसी और को माल बेचे, पर अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो हमारे लिए तो वही कंज्यूमर है, क्योंकि उसे कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा बिकॉज वो अनरजिस्टर्ड हो गया है। तो सरकार के लिए वो एक तरह से कंज्यूमर है। हम भी अनरजिस्टर्ड है, हम भी कंज्यूमर है, एक किराने का व्यापारी जो अनरजिस्टर्ड है वो भी कंज्यूमर है। ठीक है, तीसरी इंपॉर्टेंट बात, कोई कॉस्ट का बर्डन इंटरमीडिएट डीलर्स पे नहीं आ रहा है। जो भी D1 और D2 थे, दे आर बेसिकली इंटरमीडिएट डीलर्स, उनके ऊपर कॉस्ट का कोई बर्डन नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये है कि वो जो इंटरमीडिएट डीलर्स हैं वो लोग अल्टीमेटली कोई जेब से पैसा नहीं देंगे, तो उसके कारण फाइनली रिजल्ट क्या आएगा, इंटरेस्टिंग चीज है, इसी कारण से देयर विल बी नो
कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ जीएसटी, जीएसटी का कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं होता है और इसीलिए प्राइसेस थोड़ी सी लो हो जाती है, क्योंकि सरकार को मतलब डीलर्स को टैक्स पे टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि टैक्स को कॉस्ट ही नहीं मानते। जब टैक्स कॉस्ट नहीं होगा तो टैक्स सेल में नहीं जुड़ेगा, जब टैक्स सेल में नहीं जुड़ेगा तो अल्टीमेटली उसके ऊपर कोई टैक्स वापस से लगेगा भी नहीं। तो ये तो समझ में आ गया कि साहब इसमें कास्केडिंग इफेक्ट भी नहीं है, अल्टीमेटली कास्टिज्म खत्म कर दिया, सिंगल टैक्सेशन कर दिया, तो ये सारे फायदे हमको मिल गए। लेकिन आपको आई थिंक ये चीज पता होगी, जीएसटी में भी कितने तरह के टैक्सेस लगते हैं, कितने तरह के टैक्सेस जीएसटी के अंदर भी हैं। हम एक तरफ बोल रहे हैं कास्टिज्म खत्म कर दिया, और उन्हें फिर भी मल्टीपल टैक्सेस लगाए हैं। कोई बताएगा कौन कौन से टैक्सेस हैं जीएसटी के अंदर? सीजीएसटी, एसजीएसटी, जूम पे भी आंसर नहीं आ रहा है, मुझे आंसर चाहिए, कौन कौन से टैक्स है? सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, या एसजीएसटी की जगह आता है यूटीजीएसटी, एंड देयर इज वन मोर, जीएसटी कंपनसेशन सेस। पढ़ा था एग्जीक्यूटिव के अंदर, इंटरमीडिएट के अंदर, सेकंड लेवल पे कहीं भी पढ़ा था क्या? जीएसटी कंपनसेशन सेस। कोई बात नहीं, हमारे पास पूरा एक्ट है, तो हम उसको ढंग से पढ़ेंगे कि इस पूरे सेस के अंदर क्या होता है। हमारे सिलेबस के अंदर जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट भी है, वो भी हम पढ़ेंगे ढंग से। ठीक है, तो अब मुद्दे पे आते हैं, और एक बार एक बेसिक अगर मैं समझाऊं तो जीएसटी का जो लेवी होता है वो किस तरीके से होता है देखते हैं। स्क्रीन पे आप लोग देखिएगा, एक होती है इंट्रा स्टेट सप्लाई एंड सेकेंड वन इज इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई में किसी भी ट्रांजेक्शन पे दो टैक्स लगते हैं, आप मुझे बताइए कौन कौन से दो टैक्स लगते हैं? एक लगता है सीजीएसटी और दूसरा लगता है एसजीएसटी। लेकिन अगर हम इंटर स्टेट कर रहे हैं तो उस केस में कौन सा टैक्स लगता है? आईजीएसटी। मतलब तीन टैक्स तो यही हो गए कि अगर आप लोकल सप्लाई कर रहे हो, विद इन द स्टेट सप्लाई कर रहे हो, देन यू हैव टू पे, फॉर एग्जाम्पल रेट ऑफ जीएसटी 12%, देन 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, और अगर आप स्टेट के बाहर बेच रहे हो देन 12% का आईजीएसटी। सिंपल मैकेनिज्म है, बहुत बढ़िया। अब सवाल ये है कि सर फिर जीएसटी कंपनसेशन सेस कहाँ जुड़ता है? मैं आपको बता दूं, जीएसटी कंपनसेशन सेस जो है ये एप्लीकेबल है, इट इज एप्लीकेबल ओनली ऑन सम नोटिफाइड गुड्स। ये टैक्स सिर्फ कुछ नोटिफाइड गुड्स के ऊपर ही लगता है। किसी को एग्जाम्पल मालूम है कौन से टैक्स, कौन से ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है? रूम पे जो स्टूडेंट्स हैं, क्या आप लोगों को एग्जाम्पल बता सकते हैं कि कौन से ऐसे टैक्स, कौन से ऐसे गुड्स हैं जिस पर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता होगा? कौन से गुड्स हैं जिस पे जीएसटी कंपनी? पढ़ा होगा आप लोगों ने, कुछ भी बेसिक नहीं पढ़ा है, कुछ भी याद नहीं है, मैं बताता हूं। हाँ, स्नेहा बोल रही है लग्जरी प्रोडक्ट्स, लग्जरी में तो कार भी आती है, एक्चुअली लग्जरी से ज्यादा मैं बोलूंगा सिन गुड्स। सबसे पहले इसमें कवर होते हैं सिन गुड्स, तो एक तो इसमें आ जाएंगे टोबैको, सिगरेट्स, यस, और भी है पर हम सारे नाम पढ़ेंगे। कुल मिला के 6 या 7 ऐसे गुड्स हैं जिसके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस है, वो हम जीएसटी कंपनसेशन सेस एक्ट जब पढ़ेंगे तब हम अच्छे से उसको क्लियर कर लेंगे किन किन चीजों के ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस है। ठीक है, तो एग्जाम्पल में टोबैको है, सिगरेट्स है, एरिएटेड वाटर है, बहुत सारी चीजें जिसके ऊपर जीएसटी कंपनसेशन सेस लगता है, वो सारी चीजें हम लोग डिस्कशन में रहेंगे, डिस्कशन में इंक्लूड करेंगे। क्लियर है? वेरी नाइस। तो अब सवाल ये है कि सर अगर मैं लोकल सप्लाई करूं तो मेरे ऊपर लगता है सीजीएसटी और एसजीएसटी, अगर मैं स्टेट के बाहर सप्लाई करूं तो मेरे ऊपर लगता है आईजीएसटी। ठीक है, तो अब सवाल होता है कि सर यहां पे भी तो कास्टिज्म आ गया, कास्टिज्म कैसे आ गया मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए एक मध्य प्रदेश का व्यापारी है, एक एमपी का डीलर है, ये है डीलर नंबर वन, इन्होंने राजस्थान से 2 लाख रुपए के गुड्स परचेस किए और उसे यहीं पे लोकल 3 लाख रुपए में बेच दिए।
राजस्थान से मैंने 2 लाख रुपए की गुड्स परचेज की है और यहीं पे लोकल 3 लाख रुपए में उसको मैंने सेल कर दिया है। रेट ऑफ जीएसटी मान लेते हैं हम 12% है। अब आप मुझे बताइए, जब वो परचेज करेगा तो वो कौन सा जीएसटी पे करेगा, क्या क्या पे करेगा एट द टाइम ऑफ परचेज के ऊपर कौन सा टैक्स लगेगा? पहले बताओ, एमपी का व्यापारी है, कहाँ से गुड्स परचेज किया है? राजस्थान से। जल्दी आप मुझे बताओ, जब वो परचेज करेगा तो मुझे कौन सा टैक्स, ऑफ कोर्स वो कौन सा टैक्स देगा? आईजीएसटी। 12% की रेट से हम निकाल लेते हैं कि भाई साहब ने 24,000 रुपये का आईजीएसटी पे किया, ठीक है। अब इसी की उन्होंने यहाँ पे क्लेम कर ली होगी क्रेडिट आईटीसी। इन भाई साहब के पास 24,000 रुपये की आईटीसी रखी हुई है, पर कौन से टैक्स की? आईजीएसटी की। इन्हें अब लोकल सेल पे बताइए कौन सा टैक्स पे करना है, टीजीएसटी और एसजीएसटी। 3 लाख रुपए का अगर सेल है तो उसके ऊपर सीजीएसटी कितना और एसजीएसटी कितना? 12% का अगर रेट है जीएसटी का तो कितना? 6% और 6%। अरे जब टोटल रेट ऑफ जीएसटी 12% है तो आप मुझे बताओ इंडिविजुअल रेट दोनों का क्या हो जाएगा? 6-6%। तो 3 लाख का 6% करेंगे तो सीजीएसटी कितना आ जाएगा? 18,000। और एसजीएसटी कितना आ जाएगा? 18,000। नाउ द पॉइंट इज, आई हैव आई टी सी ऑफ आई जी एस टी 24,000 एंड आई हैव टू पे टी जी एस टी एंड एस जी एस टी। अब ये एक इंपॉर्टेंट सवाल आता है कि जीएसटी सरकार ने बोला वन टैक्स वन नेशन वन मार्केट, लेकिन इसके अंदर भी तीन तीन टैक्सेस लग गए, तो क्या सर इसमें कास्टिज्म है? क्या सीजीएसटी का एसजीएसटी या आईजीएसटी से टैक्स सेट ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? तो अब हमें समझना पड़ेगा कि क्या एक दूसरे से ये लोग टैक्स सेट ऑफ कर सकते हैं क्या। ये हमारा सबसे पहला टॉपिक रहने वाला है और उसकी हेडिंग है क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। बहुत काम की चीज है। अगर पता है ये इंटर या एग्जीक्यूटिव लेवल होता ना तो मैं आपको इंट्रोडक्शन में पहले पढ़ा रहा होता कि वैट में क्या होता था, जीएसटी में क्या होता था, और ये 2017-18 होता तो मैं पहले बता रहा होता कि पुराने टैक्स कौन कौन से हटके नए टैक्स आ गए। पर हम 2021 में हैं, अब 2017 के पहले क्या था वो अब एग्जाम में नहीं आने वाला है। तो मॉड्यूल्स में कुछ इंट्रोडक्शन दिए हैं, बहुत बोरिंग है, मैं बता दूंगा, लेकिन वो एग्जैक्टली हमारे लिए कोई इंटरेस्टिंग या एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, तो उसको कभी बीच में कवर कर लेंगे। हम वो चीज सबसे पहले कवर कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसी के लिए हमें समझना है। प्रॉब्लम क्या है, सबको समझ में आया? प्रॉब्लम ये है कि सरकार ने एक टैक्स बोल के फिर तीन तीन चार चार टैक्स लगा दिए। अब इनके बीच सेट ऑफ हो सकता है या नहीं हो सकता है? क्या सीजीएसटी का आईजीएसटी से, आईजीएसटी का सीजीएसटी से, सीजीएसटी का एसजीएसटी से क्या क्या सेट ऑफ अलाउड है, क्या क्या सेट ऑफ अलाउड नहीं है, ये हमको सबसे पहले समझना पड़ेगा। तो हम हेडिंग सबसे पहले ये लिख रहे हैं, हेडिंग लिखिए क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ आईटीसी। दिस इज द हेडिंग, दिस इज द फर्स्ट हेडिंग। और ये जो मैंने ऊपर बेसिक बताया ये एक्चुअली इसी पूरे प्लॉट को समझाने के लिए था कि इस क्रेडिट का क्रॉस यूटिलाइजेशन अलाउड है या नहीं है। अभी मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एग्जैक्टली सेक्शन क्या बोलता है, फिर हम कल प्रैक्टिकल स्टार्ट करेंगे, लेकिन आज मैं बेसिक बता देता हूं कि प्रोविजन के अंदर क्या लिखा हुआ है और ये कहां से रेफरेंस है। मैं अगर रेफरेंस के लिए बताऊं तो हमें दो चीजें फॉलो करनी पड़ेगी, एक तो सेक्शन 49 और एक रूल 49। किस्मत से रूल 89, सॉरी 49 नहीं 89 है। दो चीजें, एक तो सेक्शन 49 ऑफ सीजीएसटी एक्ट, ध्यान रखना हम बेसिक पूरा सीजीएसटी से ही चालू करेंगे। ये चीज आपको पता होगी क्योंकि आप लोगों ने एक बार जीएसटी पढ़ा है कि सीजीएसटी एक्ट और एसजीएसटी एक्ट एग्जैक्टली सेम है। तो हम मेन हमारा जो सारे प्रोविजंस कवर होते हैं वो कहां से कवर होते हैं? सीजीएसटी एक्ट से। तो हम सीजीएसटी एक्ट से ही स्टार्ट कर रहे हैं। आईजीएसटी एक्ट की बात अगर आएगी तो मैं आईजीएसटी एक्ट स्पेसिफिकली लिख दूंगा, अदरवाइज मान के चलना कि हम जितने भी सेक्शन स्टार्ट कर रहे हैं वो तो कौन से एक्ट के सेक्शंस हैं? सीजीएसटी एक्ट के। और यहाँ पे एक रूल भी अटैच है 89,
सेक्शन 49 प्लस रूल 89 के साथ एक क्रॉस यूटिलाइजेशन ऑफ 89 रूल किस चीज का है? अगेन सीजीएसटी रूल्स, सेक्शंस के साथ रूल्स भी अटैच है, तो आप रूल्स भी हम पढ़ेंगे। ये है रूल 89 ऑफ सीजीएसटी रूल्स। सेक्शन 49 भी सीजीएसटी एक्ट का है और रूल 89 भी सीजीएसटी रूल्स का है, ठीक है? सर आप सीधे सेक्शन 49 की बात कर रहे हो, ये है बहुत बेसिक, लिखा बाद में है, पर आईटीसी का सेट ऑफ, आईटीसी का क्रॉस यूटिलाइजेशन बहुत ही बेसिक और इंपॉर्टेंट चीजों में से एक है, ठीक है? तो अब इसके अंदर बोला क्या है, सब लोग सुनना। मैं ये अभी लिख लेना, जरूरी नहीं है आपको एक बार में पूरी बात समझ में आ जाए, पर लिख जरूर लेना, क्योंकि हम एग्जाम्पल जब करेंगे तब आपके पास रेफरेंस में हो, पर ये मेरी गारंटी कि कल एग्जाम्पल लेने के बाद सब चीजें समझ में आ जाएगी। हम लेते हैं सबसे पहले कि साहब हमारी ग्रॉस लायबिलिटी किस चीज की है, आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी, ये तीन टैक्स है, इनकी लायबिलिटी मुझे अब सेट ऑफ करनी है आईटीसी से, क्रेडिट से। और सबसे पहला थंब रूल, पहली बात बता दूं, इसमें अमेंडमेंट है, आप लोगों ने जो इंटरमीडिएट सेकेंड लेवल पे जो भी पढ़ा था इसमें चेंज है, 2019-2020 में इसमें बहुत बदलाव आए हैं, तो जो सबसे लेटेस्ट अपडेटेड है वो मैं आपको बता रहा हूं, सब लोग सुनना। ग्रॉस लाइबिलिटी जो भी हमारी टैक्स की है उसको क्रेडिट से सेट ऑफ करने का पहला थंब रूल, पहला थंब रूल आपको आईजीएसटी के क्रेडिट को सबसे पहले यूज करना है। मतलब कहानी यह है कि आपके पास कितना भी क्रेडिट सीजीएसटी एसजीएसटी का रखा हो, चाहे आपको आईजीएसटी पे करना हो, सीजीएसटी पे करना हो, आईजीएसटी कुछ भी पे करना हो, आपको सबसे पहले आईजीएसटी के क्रेडिट को खत्म करना। जब तक वो खत्म नहीं हो जाता तब तक आपको सीजीएसटी या एसजीएसटी का क्रेडिट यूज करना अलाउड नहीं है। क्या समझ में आया? पहला थंब रूल, सबसे पहले कौन से टैक्स को खत्म करना है? आईजीएसटी। अब सर आईजीएसटी जो खत्म होगा उसमें भी सर हमारे पास तीन टैक्स है, अगर मान लो मेरे पास आईजीएसटी क्रेडिट है तो मुझे पे कौन कौन सा करना है सर? आईजीएसटी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो किसको पहले, मैं सबसे पहले स्क्रीन पे देखना, मैं पहली रैंकिंग दूंगा आईजीएसटी को, आईजीएसटी सबसे पहले खत्म कर दो। मतलब मुझे पे करना है आईजीएसटी तो मैं सबसे पहले अपना जो आईजीएसटी क्रेडिट है वो आईजीएसटी को पेमेंट करने में यूज कर लूंगा, क्योंकि आईजीएसटी आईजीएसटी है तो कॉमन फंड से पहले पहले पैसा चला जाना चाहिए ना, तो यहां से यूज हो जाएगा। इन दोनों को मैं सेकेंड रैंकिंग दूंगा। सर आप ये क्या बोल रहे हो, सेकेंड रैंकिंग दो को दे रहे हो? यहां अब हमारे पास ऑप्शन है, इट्स नाउ योर ऑप्शन टू सेट ऑफ आईजीएसटी क्रेडिट विथ सीजीएसटी और एसजीएसटी, इट्स योर चॉइस। पर मैं आपको इसे बताऊंगा, इसमें चॉइस नहीं दिमाग लगाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने गलत सेट ऑफ कर दिया तो आपका कैश में टैक्स देना ज्यादा आ जाएगा और दूसरी क्रेडिट ज्यादा बच जाएगी। मतलब ये हो जाएगा कि पैसे जेब में पड़े हैं और उधार लेके पैसे खरीद दे रहा हूं, मेरे पास जब क्रेडिट पड़ी है पेटीएम में वॉलेट बैलेंस पड़ा है और मैं बैंक से पैसे दे रहा हूं, मैं इतना बड़ा बेवकूफ तो हूं नहीं, मैं पहले वॉलेट और कैशबैक के बैलेंसेस को ही खत्म करूंगा ना। तो इसमें ना ऑप्शन कैसे चूज करना है वो मैं आपको बताऊंगा, वो प्रैक्टिकल करेंगे तब समझ में आएगा, ठीक है? वो हम समझेंगे, पर रैंकिंग समझ में आ गई। आईजीएसटी का क्रेडिट सबसे पहले सेट ऑफ करना है, उसमें भी आईजीएसटी का सबसे पहले आईजीएसटी से होगा, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी में ऑप्शन है कि आप आईजीएसटी के क्रेडिट को सीजीएसटी से खत्म करना चाहते हैं एसजीएसटी से, ये आपकी चॉइस है। पर हम फिर भी चॉइस नहीं लेके एक थंब रूल बनाएंगे, वहां पे मिनिमम टैक्स आएगा हमारा कैश में पे करने का, नहीं तो क्या होगा, एक जगह टैक्स ज्यादा कैश में पे करना आ जाएगा और दूसरी तरफ दूसरे वाले टैक्स का बैलेंस बच जाएगा। तो इतने बड़े हम बेवकूफ है नहीं कि कैश पहले निकालेंगे, हम शॉपिंग करने भी जाते हैं और हमारे पास स्टोर क्रेडिट होता है तो पहले हम वही सेट ऑफ करते हैं ना, मिंत्रा से भी शॉपिंग करेंगे और अपने पास मिंत्रा के वॉलेट में बैलेंस पड़ा है तो वो पहले यूज करेंगे कि पेटीएम से या बैंक से पेमेंट करेंगे? ऑफ कोर्स वॉलेट बैलेंस पहले यूज करेंगे, वही रैशनल अप्रोच है, वही हम भी फॉलो करेंगे। दूसरा,
सेकेंड रैंकिंग आती है सीजीएसटी की। अगर मान लो आपका आईजीएसटी का बैलेंस सारा खत्म हो गया, अभी और टैक्स देना आ रहा है, तो अब नंबर किसका आ जाएगा? सीजीएसटी का। सीजीएसटी की रैंकिंग मैं यहां पे दूंगा 3 इसको और 4 इसको। हम 1 2 3 4 ऊपर से ही चल रहे हैं। सबसे पहले आईजीएसटी का आईजीएसटी से, फिर सीजीएसटी और एसजीएसटी को आईजीएसटी से क्रेडिट सेट ऑफ करो आपके ऑप्शन के हिसाब से। फिर अगर आपके पास में आईजीएसटी का बैलेंस खत्म हो चुका है, तो अब आप सीजीएसटी के टैक्स को पे करने में पहले सीजीएसटी के क्रेडिट का यूज करो। सर, सीजीएसटी का टैक्स पूरा पे हो गया, सर आईजीएसटी का टैक्स भी पे बच रहा है, तो वो भी आप सीजीएसटी के क्रेडिट से पे कर सकते हो, लेकिन ये अलाउड नहीं है। एसजीएसटी पे करने में सीजीएसटी के क्रेडिट का यूज नहीं आ सकता। ये सास बहू की तरह है। मैंने क्लासेस में पहले भी एग्जाम्पल लेता था मैं, कि सीजीएसटी और एसजीएसटी सास बहू की तरह है। इन दोनों का कभी गठजोड़ बन ही नहीं सकता। दोनों बाकी सबसे सेट ऑफ हो जाएंगे, एक दूसरे से कभी नहीं होंगे। तो सीजीएसटी का क्रेडिट यू कैन नॉट यूज टू पे एसजीएसटी, यू कैंट। क्लियर है बात? जूम पे क्या ये बात सबको समझ में आ रही है? मुझे आंसर चाहिए बेटा। पूर्वा, पूर्वी, नेहा, प्रकृति, जल्दी आंसर दो। समझ में आ रहा है पूरा डिस्कशन? अब आता है अगला। सर, सर मैंने आईजीएसटी का क्रेडिट, आईजीएसटी का पूरा क्रेडिट खत्म कर दिया। सर सीजीएसटी की क्रेडिट को भी मैंने सीजीएसटी और आईजीएसटी सेट ऑफ कर दिया, लेकिन ध्यान रखना जब सीजीएसटी के क्रेडिट का नंबर आया ना, तो ये लोग पता है एक तरफ तो बोलते हैं कि हम जात पात नहीं देखते, लेकिन पहले आप देख लो ये अपनी जात वालों के साथ पहले एडजस्ट हो रहे हैं। आप स्क्रीन पे देखो मैंने क्या किया है। अपनी जात वालों के साथ पहले एडजस्ट हो रहे हैं। आईजीएसटी पहले बोलता है मैं आईजीएसटी से दूंगा, तो सीजीएसटी पहले बोलता है मैं सीजीएसटी से होऊंगा। देखो तीसरी, मतलब सीजीएसटी के एंगल से पहली रैंकिंग उसने सीजीएसटी को दी है, जबकि आईजीएसटी ने पहली रैंकिंग आईजीएसटी को दी थी। तो फिर भी कुछ भी करो जात पात नहीं हो, लेकिन अपनी जात वाले तो फिर भी प्यारे हैं। ठीक है, मतलब थोड़ा बहुत कास्टिज्म तो फिर भी है। ठीक है, तीसरा और आखिरी है एसजीएसटी। आप खुद बता दो, अब इसमें रैंकिंग 5th नंबर की रैंकिंग किसको दूं पहले? यस, जात पात है ना, तो पहले खुद वाले को फेवर करेगा, फिर आईजीएसटी। और सीजीएसटी के साथ तो मैं क्या लगा देता हूं? क्रॉस, क्योंकि वो खुद के साथ तो सेट ऑफ, मतलब एसजीएसटी सीजीएसटी और सीजीएसटी एसजीएसटी के साथ सेट ऑफ हो ही नहीं सकता। तो ये है हमारी रैंकिंग। और सर ये थोड़ा थोड़ा समझ में आया, प्रैक्टिकल तो अभी बहुत सारा समझना पड़ेगा। तो ऑफकोर्स कल हम लोग बहुत सारा डिस्कशन करेंगे सिर्फ इसके प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझने के लिए, कौन सा टैक्स किससे सेट ऑफ होता है, कैसे टैक्स सेट ऑफ होता है, कैश कैसे पे करते हैं, वो सारी बातें करेंगे हम कल। आई होप आज का जो डिस्कशन है वो आपको समझ में आ गया होगा। आई होप कल प्रोजेक्टर चल जाएगा, नहीं तो ये काम चल रहा ही है हमारा, पर कल प्रोजेक्टर चल जाएगा तो और कन्वीनियंट हो जाएगा, आपको मोबाइल ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जूम वाले बच्चों, किसी को वीडियो या किसी को ऑडियो में कोई इश्यू तो नहीं है? क्लियर था वीडियो ऑडियो? क्लियर था सब लोगों को? जल्दी मुझे बता दीजिए, नो इश्यू, थैंक यू सो मच। बाकी डिस्कशन हम करेंगे कल सेम टाइम, हम 10 o'clock से कल शार्प स्टार्ट कर देंगे। आज थोड़ा टेक्निकल एरर्स के कारण थोड़ा सा लेट हो गया, पर यार 10:05 10:10 तक हम क्लास स्टार्ट कर ही देंगे। ठीक है, थैंक यू, बाकी डिस्कशन कल करते हैं। एंजॉय, गुड डे, बाय बाय। थैंक यू एवरीवन।
हॉरिजॉन्टल आपको वर्टिकल आ रहा है इसमें, मैं करूँगी क्या हो जाएगा, क्या रखना है? और उसमें तो क्या दिख रहा है स्क्रीन, जैसे आड़ा रखना नहीं है तो और ठीक है हाँ, बस ये ऐसे रहने दो, मैं भले ही छोटी रहूँ मुझे नहीं दिखना, मेरे को टैब दिख जाए बस सामने। चलेगा, वॉइस एंड ऑल प्रॉपर है फिर सब ठीक है, चलो।